हेलो गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू झारखंड लाइव झारखंड नंबर वन यूट्यूब स्टडी चैनल दोस्तों आज है 20 जुलाई और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं तो अगर आप झारखंड चैनल लग में अगर नए हैं दोस्तों सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर छः बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डेली शाम के सात बजे वहाँ पर पी जो है प्रोवाइड कर दी जाती है तो आप के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहां पर आज आज जुलाई के के महत्वपूर्ण अफेयर देखते हैं। और आज यहाँ पर पहला है, सही आंसर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एक दशमलव तीन छह लाख एक लाख छत्तीस हजार उद्यमियों को इमरजेंसी लोन दिया जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राज्य के एक दशमलव तीन छः लाख उद्यमियों को इमरजेंसी लोन दिया जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं ये इमरजेंसी लोन क्या है यहाँ पर तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं झारखंड के एक लाख छत्तीस हजार उद्यमियों को दो हजार बयालीस करोड़ 92 लाख रुपए का इमरजेंसी लोन दिया जाएगा कुल जो है यहाँ पर 2042 करोड़ बानवे लाख रुपए का कुल इमरजेंसी लोन दिया जाएगा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत यह लक्ष्य तय किया गया है बैंकों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत ठीक है याद रखिएगा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत इन उद्यमियों को चिन्हित किया गया है इमरजेंसी लोन से उद्यमियों को कोरोना वायरस पूंजी के संकट से निजात पाने में मदद मिलेगी खासकर लघु उद्यमियों को उद्यमियों के लिए कार्यशील पूंजी का संकट दूर हो जाएगा तो जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको यहाँ पर काफ़ी मदद मिलेगी इस राशि से तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक दशमलव तीन छः लाख उद्यमियों को और यहाँ पर इमरजेंसी लोन दिया जाएगा राज्य में चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर सी द्वारा अपने कमांड क्षेत्र में कितने इको पार्क की स्थापना करेगा अपने कमांड क्षेत्र में कितने इको पार्क की स्थापना करेगा सी तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुल छह इको पार्क स्थापित करेगा सी कितने कुल छ पार्क इको पार्क स्थापित करेगा सी तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए यहां पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं तो सी ने छ इको पार्क बनाने का निर्णय लिया है कमांड क्षेत्र में इसके लिए भूमि चिन्हित की गई है। इसका शिलान्यास के अंतर्गत तेईस जुलाई को किया जाएगा प्रत्येक पार्क लगभग बीस हेक्टेयर भूमि पर बनेगा तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी के द्वारा छह इको पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है अब यहाँ पर सी आया है चलिए हम लोग यहाँ पर सी सी के बारे में डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं तो सी सी एल का फुल फॉर्म है सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और इसकी स्थापना कब हुई थी तो एक नवंबर उन्नीस सौ पचहत्तर ईस्वी को हुई थी मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है रांची में है और फिलहाल जो यहाँ पर सी एम डी है वो कौन है आ, यहाँ पर गोपाल सिंह है कौन है गोपाल सिंह है जो कि फिलहाल सी एम डी है तो ऑप्शन नंबर पर पर बी इज़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा झारखंड के किस उद्यान को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने की पहल की है तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भगवान बिरसा जैविक उद्यान को किस उद्यान को भगवान बिरसा जैविक उद्यान को केंद्रीय चिड़ियाघर चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा झारखंड के ये उद्यान है जिसको कि विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने की पहल की है तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा भगवान बिरसा जैविक उद्यान को देश का दस बड़े दस दस बड़े चिड़ियाघर के समूह में शामिल करने के बाद ठीक है हाल ही में जो है यहाँ पर दस बड़े चिड़ियाघर में शामिल किया गया था और इसके बाद यहाँ पर अब जू प्रशासन ने जू को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने की ओर पहल शुरू कर दी है इसके लिए यहाँ पर जो है वो जो मुख्य आकर्षण होगा आकर्षक बनाने के लिए प्रवेश द्वार गेट का निर्माण प्लाजा के रूप में किया जाएगा मुख्य द्वार के ऊपरी हिस्से पर बोर्ड रूम वीआईपी के लिए वेटिंग लॉज रहेगा वहीं नीचे टिकट बिक्री केंद्र सोवीनियर शॉप एंटरप्रेट प्रेटेशन सेंटर आधुनिक सुविधाओं से लाइट कैंटीन सैलानियों के लिए वेटिंग रूम और टॉयलेट सहित पर्यटकों के, के लिए अन्य सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तो बिरसा जैविक उद्यान को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उद्यान स्थापित किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर इसे लाने का प्रयास किया जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड के कितने साइकिलिस्ट का चयन खेलो इंडिया की साइकिलिंग अकादमी में चयन किया गया है ठीक है झारखंड के कितने साइक्लिस्ट का चयन खेलो इंडिया की साइकिलिंग अकादमी के लिए चयन किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुल छह साइकिलिस्ट का कितने कुल छह साइक्लिस्टों का चयन किया गया है खेलो इंडिया की साइकिलिंग अकादमी के लिए तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये छे जो है ये सभी झारखंड से हैं चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि ये कौन कौन है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं झारखंड के छह साइक्लिस्ट का चयन साई द्वारा संचालित खेलो इंडिया साइकिलिंग अकादमी के लिए हुआ है इसमें चार महिला और दो पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं तारामिंग जो कि रांची जिले की, की हैं पुष्पा कुमारी सरिता कुमारी संतोषी उराव ये सभी लोहरदगा जिले के हैं अमीर रयाज जो कि गढ़वा जिले के हैं और दीप राज उराव जो कि रांची जिले के हैं ये सभी इन सभी को खेलो इंडिया के अकादमी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा विशेष ट्रेनिंग दिया जाएगा स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झारखंड से छः साइकिलिस्टों का चयन किया गया है साई के द्वारा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रहे झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी स्वर्ण सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं ठीक है स्वर्ण सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा ये थे साइक्लिस्ट का ठीक है ये क्या थे एक साइक्लिस्ट थे और ये साइक्लिस्ट से संबंध रखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये चर्चा में क्यों है चलिए इनके बारे में पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लौह नगरी जमशेदपुर के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट स्वर्ण सिंह को देश विदेश के शुभ चिंतकों की मदद मतलब से शुक्रवार को एक लाख रुपये का अनुदान मिला है फिलहाल स्वर्ण सिंह अपार्टमेंट में चौकीदारी का काम करते हैं इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है जिसके लिए लोगों लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं स्वर्ण सिंह ने एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था तो जैसा कि सभी को पता होगा कि झारखंड के जितने सारे खिलाड़ी हैं किसी भी खेल किसी भी खेल से संबंध रखते हो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है ठीक है चाहे वो किसी भी खेल से संबंध रखते हो तो यहाँ पर जो है वो स्वर्ण सिंह भी हैं जो कि एक साइकिलिस्ट थे कभी अपने समय में एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो अपार्टमेंट में चौकीदारी करते हैं और उनको यहाँ पर आर्थिक स्थिति तंगी के कारण अब लोग उनकी मदद के लिए आगे आए हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट स्वर्ण सिंह है जो कि साइकिलिस्ट है एक ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के छात्रों को आ, किस फसल के खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यह सभी ठीक है तो यहाँ पर मड़ुआ ठीक है मड़ुआ आप नाम आप सभी नाम से परिचित होंगे ये झारखंड का एक तरह से खाद्य भोजन है फसल है और यहाँ पर सोयाबीन मकई गेहूँ ये सभी जो है यहाँ पर बिरसा कृषि विद्यालय के कृषि संकाय के छात्रों को इनके खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है इनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं इसका क्या क्या खाद्य प्रसंस्करण कर उत्पाद बनाए जा सकते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के तहत गृह विज्ञान विभाग में छात्रों को मडुआ सोयाबीन सब्जियों और फलों की वैज्ञानिक तकनीकों से संस्करण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है छात्रों को गेहूं, मडुआ मकई सोयाबीन चना ज्वार और चौलाई के दालों के उपयोग से मल्टीग्रेन आटा बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर डायबिटीज़ फ्रेंडली आटा बनाने भी यहाँ पर जो है वो सिखाया जा रहा है साथ ही साथ यहाँ पर इसके अलावा मडुआ से बिस्किट केक सेवई और सोयाबीन से पनीर के उत्पाद की प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर अब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आया है इसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून उन्नीस को हुई थी और इसका कैंपस जो है वो रांची में है और फिलहाल जो यहाँ पर वाइस चांसलर हैं वो कौन है अबूब कर सिद्धिकी है कौन है अबूब कर सिद्धिकी है जो कि फिलहाल वाइस चांसलर है चलिए हम लोग यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था ऑपरेशन त्रिशूल झारखंड के किस जिले में अभियान चलाई जा रही है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इन सभी जिलों में ठीक है तो खुट्टी रांची और चाईबासा ये तीनों ही यहाँ पर जिलों में जो है वो ऑपरेशन त्रिशूल चलाया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं तो राज्य के तीन जिलों में जिला सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ त्रिशूल अभियान चलाया जा रहा है ये जिले हैं रांची चाईबासा और खूंटी इस अभियान का नाम त्रिशूल रखा गया है क्योंकि यह तीन जिलों में अभियान चलाया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इन सभी जिलों में चलाया जा रहा है रांची खुट्टी और चाईबासा के सीमावर्ती जिलों में चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है आ, कोरोना के खिलाफ जारी जंग को आसान बनाने हेतु अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन चेंबर नामक यंत्र किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके आई आई टी धन आई आम धनबाद एन आई टी जमशेदपुर आई आई एम रांची या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड तो आपको कमेंट करके बताना है इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा कोरोना के खिलाफ जारी जंग के आसान बनाने हेतु अल्ट्रा रेडिएशन चैंबर नामक यंत्र किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है तो कोशिश करिएगा कर सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में ठीक है तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें